और जो लोग रिफॉर्म रिफॉर्म के गीत गाने वालों को भी मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 3 वर्षों में 21 सेक्टर्स में 87 छोटे बड़े रिफॉर्म करने का काम इस सरकार ने करके दिखाया है। चाहे कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, चाहे डिफेंस सेक्टर हो, चाहे फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्टर हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग का हो, जैसे कितने ही सेक्टरों में निवेश के नियमों में बड़े बदलाव हुए हैं। देश के आर्थिक क्षेत्र को खोलने के बाद से लेकर अब तक जितना विदेशी निवेश भारत में हुआ है उसकी तुलना अगर पिछले 3 वर्षों में हुए निवेश के साथ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी सरकार जो रिफॉर्म कर रही है उसका नतीजा क्या मिल रहा है। ये जो मैं आंकड़े बताने वाला हूं, आप इस क्षेत्र के हैं, आप इसी क्षेत्र में डूबे हुए लोग हैं, लेकिन अब जो मैं आंकड़े दे रहा हूं, मैं बिल्कुल बताता हूं, आप चौंक जाएंगे। 92 लिबरलाइजेशन के 92 के बाद लिबरलाइजेशन का कालखंड शुरू हुआ। अगर मैं उसको एक आधार मानूं तो क्या स्थिति है उसका हिसाब देखिए। लिबरलाइजेशन से लेकर के 2014 तक और 2014 से 17 तक क्या हुआ है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अब तक के टोटल विदेशी पूंजी निवेश का 75% सिर्फ इस 3 साल में आया है। एयर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी अब तक के टोटल विदेशी पूंजी निवेश का 69% पिछले 3 वर्ष में आया। माइनिंग सेक्टर में अब तक के टोटल विदेशी पूंजी निवेश का 56% पिछले 3 साल में आया। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में भी अब तक के टोटल विदेशी पूंजी निवेश का 53% पिछले 3 वर्ष में आया। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में भी अब तक के टोटल विदेशी पूंजी निवेश का 52% इसी सरकार ने 3 वर्षों में हासिल किया। रिन्यूएबल एनर्जी, इस सेक्टर में भी अभी तक के कुल विदेशी पूंजी निवेश का 49% इसी सरकार के 3 साल में देश ने प्राप्त किया। टेक्सटाइल सेक्टर में अब तक के कुल विदेशी पूंजी निवेश का 45% इन 3 साल में आया है। और एक चौंकाने वाली बात बताता हूं, 1980 से हमारे यहां ऑटोमोबाइल में लिबरलाइजेशन की चर्चा रही है। 80 से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जिसमें पहले से ही काफी विदेशी पूंजी निवेश हो चुका है, उस सेक्टर में भी, ये आपको हैरानी होगी सुनकर के, उस सेक्टर में भी कुल विदेशी पूंजी निवेश का 44% इसी 3 साल में आया है।